वेलकम टू DGM एजुकेशन चैनल। तो असीं इस वीडियो में पंजाबी के कुछ होर इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। तो इस वीडियो के असीं कर रहे हैं जिस तरह ये साढ़े को चार शब्द दिते हुए ने, असीं दसना भी इन्हां विचों केड़ा उपर लिखे गए शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है। जिस तरह फस्ट उपकार, तो असीं नीचे दिते गए चार जो शब्द है इन्हां चों दसना भी उपकार का समानार्थी नहीं है जी। तो पहला इन्हां चों देख रहे हैं असीं उपकार, मतलब उपकार करना, किसी का नेकी करना, एहसान करना, भलाई करना, तिन्ने हैगे है। तो थर्ड ऑप्शन जो तरक्की है ये इसका सही ऑप्शन है। हाँ जी, नैक्सट है साढ़े को उजाला। उजाला का मतलब प्रकाश, चानण ते लो, एक कोई गल होगी जी, हनेरा इहदा आंसर आ गया। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करैक्ट ऑप्शन है जी, हनेरा। इस तो बाद है जी उल्टा। उल्टा का मतलब हुंदा पुट्ठा कह लो, विरुद्ध कह लो, जां मूदा कह लो, गल्लां सारियां इक्को ने, तां इह समानार्थी शब्द है। तो इहदा ऑप्शन बनू साढ़े को थर्ड ऑप्शन सीधा, जिहड़ा कि समानार्थी नहीं है उल्टा शब्द का। नैक्सट है जी उमंग। उमंग का मतलब हुंदा इच्छा, उत्साह, तांग। तो इहदा आंसर आऊ जी तरंग, क्योंकि तरंग है जो उमंग का समानार्थी शब्द नहीं है। इस तो बाद है जी उस्तत। उस्तत का मतलब किसी की प्रशंसा करनी, उपमा करनी, श्लाघा करनी। तो इहदा भी थर्ड ऑप्शन है जी, निंदा आ गया। उजड़। उजड़ मत उजड़ कह दिंदे जां असीं मतलब बूझड़ कह लो। तो मतलब की है जी गंवार, भी जिहनूं कोई मूर्ख अखड़ जिसनों अकल नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन इहदा करैक्ट ऑप्शन सियाणा इहदा आ जाएगा। उद्यम। उद्यम मतलब कोशिश, उपराला, यतन। तो इहदा बनूगा जी सैकेंड ऑप्शन आलस, जिहड़ा वह उद्यम शब्द का समानार्थी शब्द नहीं है जी। ऊणा। ऊणा मतलब अधूरा, यानी कि इनकम्प्लीट, अपूर्ण। तो होशा इहदा ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इहदा करैक्ट ऑप्शन पूरा आंसर आऊ इहदा। उत्तेजक। उत्तेजक का मतलब की है जी, भी किसी उत्तेजक करना, यानी कि भड़काना, या तो ठीक है, जा उकसाना, जा भड़कावा, कोई इस तरह की गल करनी या इस तरह का भाषण देना। तो थर्ड ऑप्शन है जिहड़ा शांतमई, उत्तेजक का समानार्थी शब्द नहीं है। अलौकिक। अलौकिक का मतलब हुंदा अद्भुत, अजीब, वखरा, मतलब अनूठा, यूनीक कह सकते हैं असीं। तो अद्भुत, अनूठा, अनोखा, ये समानार्थी शब्द ने। तनाड़ शब्द है जो जी वो साडा मतलब समानार्थी शब्द नहीं है। अलौकिक का फस्ट ऑप्शन इहदा करैक्ट ऑप्शन। उस तो बाद है जी अनजाणा। अनजाणा मतलब पहला ऑप्शन अनजाण आ गया, बेसमझ आ गया, तो सीधा आ गया, सीधा जिहा बंदा है। तो फोर्थ ऑप्शन इहदा करैक्ट ऑप्शन आ गया जी आदर। आदर मतलब किसी का आदर करना, यानी कि किसी की इज्जत करनी, सत्कार करना, किसी की बड़ियाई करनी कह सकते हैं। तो एक हुंदा निरादर करना, तो निरादर करना इहदा ऑप्शन सही आ गया जी। आदर का निरादर करना समानार्थी शब्द नहीं है। नैक्सट है जी आथन। आथन मतलब शाम कह लो, सांझ कह लो, तिरकाला कह लो, सेम शब्द ने। तो सवेरे का समानार्थी शब्द नहीं है, पहला ऑप्शन इहदा करैक्ट ऑप्शन। अगे जी अडरा। अडरा मतलब बखरा जा, बख हो गया, जुदा हो गया, अलग हो गया। ये तीनों शब्द समानार्थी ने। साथी है जो सैकेंड ऑप्शन है वो समानार्थी नहीं। इस तो बाद है जी अंतर। अंतर मतलब भेद, फर्क, बिथ। तो समान शब्द समानार्थी नहीं है अंतर का। फोर्थ ऑप्शन इहदा करैक्ट ऑप्शन। नैक्सट है जी अवारा। अवारा का मतलब की है, देखो चौड़ चानण हो गया, लूचा हो गया, लटौर, ये तीनों समानार्थी ने, बट पतवंता शब्द जिहड़ा समानार्थी नहीं है। पहला ऑप्शन इहदा करैक्ट ऑप्शन। अगे जी बहुत शब्द की थान एक शब्द जो कि पंजाब के ETET स्क्रीनिंग टैसट में आ सकते हैं, तो बाकी जो पंजाब होर एग्जाम होंगे है तो उन्होंने भी ये पूछे जाते हैं। मास्टर केडर के कोई आ सकता इन्हों चो। देखो रब न ना मनण वाले की कहा जाता है, तो नास्तक कहा जाता है जी। मनण वाले आस्तक कहा जाता है, ना मनण वाले नास्तक। थर्ड ऑप्शन इहदा करैक्ट ऑप्शन। अच्छा जी उस थान की कहें ने जिथे पहलवान अपने को कुश्ती लड़ते हैं, तो उसनों बोलिया जाता है जी अखाड़ा। थर्ड ऑप्शन इहदा करैक्ट ऑप्शन। नैक्सट है जी योध्या की महिमा में लिखी गई वृतांतिक कविता की कहा जाता है जी, कहा जाता बार। फस्ट ऑप्शन इहदा करैक्ट ऑप्शन। पति के बड़े भरा की कहा जाता है जी, तो जेठ कहा जाता है। सैकेंड ऑप्शन इहदा करैक्ट ऑप्शन। सिंपल ने, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। जिहड़े किसी की की कोई नेकी ना जाने उन्होंने कहा जाता है जी। फोर्थ ऑप्शन इहदा करैक्ट ऑप्शन अकिरतकन। नैक्सट क्वेश्चन वो पाठ जो आरंभ तो लैके अंत तक अरुक चले, बिना रुके चलता रहे, तो उसनों अखंड पाठ बोलिया जाता। थर्ड ऑप्शन इहदा करैक्ट ऑप्शन। बहुत बधा चढ़ा के कही गई गल नूं कहा जाता है जी अति कथनी, थर्ड ऑप्शन। नैक्सट क्वेश्चन है जिहड़ी फसल समय तो पहला बीजी जाए, सिंपल पता है अगेती बीजती, असी थर्ड ऑप्शन।
जिस दे माँ प्यो ना होन उन्हें जतीम कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन जिस साल मीह ना पिया हो उसनू की कहा जाता है, देखो तो उन्होंने कहा जाता है औड़। थर्ड ऑप्शन है भी जी जिहड़ा जख्म सजरा हो, सजरा हो मतलब अल्लाह पै कहने अल्लाह जख्म, तो पहला ऑप्शन है यदा करैक्ट ऑप्शन हजे जख्म पूरी तरह सही नहीं हो। जिथे सिक्के घड़े जाते उसनू कहा जाता जी टकसाल। थर्ड ऑप्शन है जिहड़ा पैसे ना खर्च करता हो उसनू कहा जाता जी कंजूस। सैकेंड ऑप्शन सोने के गहने बनाने वाला तो बेचने वाला कौन हों, सुनियारा। कपड़े सियाने वाला कौन हों जी दर्जी, पहला ऑप्शन। मिठाई बनाने वाला तो बेचने वाला कौन हों, हलवाई। द्योर की वहुटी को कहा जाता द्योराणी कहा जाता जी। पति के छोटे भरा कहा जाता जी द्योर, सैकेंड ऑप्शन। पति की भैन को कहा जाता जी ननान कहा जाता, सैकेंड ऑप्शन इसका करैक्ट ऑप्शन। तो ये वीडियो असी ज़्यादा लंबी नहीं बनाई, कुछ क्वेश्चन लाए थे जिन्हों कुछ सम्मानार्थी शब्दों की पहचान थी, तो कुछ बहुत शब्द की थान एक शब्द की यह वीडियो हैगी। तो इस जो क्वेश्चन तुम्हें करवाए गए हैं तो वह ईडीटी स्क्रीनिंग पंजाब पटवारी की पंजाबी आँदी है, उत्थे भी ये तुहाडे बेनीफिट देणगे तुहानू काम वाले ने। तो जिन्होंने फिलहाल अजे तक इस चैनल सबसक्राइब नहीं किया चैनल सबसक्राइब करो ताकि तुहानू अगलियां वीडियो जल्दी तो जल्दी मिलदियां रहन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।